आयुर्वेद कॉलेज के उद्यानिकी विभाग में किया गया 250 औषधीय पौधों का वृक्षारोपण। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयुर्वेद कॉलेज के उद्यानिकी विभाग में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 250 औषधीय पौधे लगाए गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं, बिना वृक्षों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु वर्तमान में लोगों के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार वृक्षों की कटाई की जा रही है। ऐसे में आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ और छात्र छात्राओं के द्वारा किया जाने वाला वृक्षारोपण का कार्यक्रम समाज को वृक्ष की उपयोगिता को दर्शाता है और वृक्षारोपण का संदेश देता है। जो पिछले वर्ष हमने पौधे लगाए थे, वो हमने जैसे काली मासी, काली हल्दी, इन सारे पौधों को लगाया था जो यहाँ पे हमारे पास नहीं थे, जिनका हम अपनी चिकित्सा में औषधि बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिनके बारे में हमें उनके जितने भी सारे डिटेल्स हैं उनको जान के हम चिकित्सा में उनका प्रयोग कर पाते हैं। एक तरीका था कि किस प्रकार से हम एक सामाजिक कार्य में लोगों को जोड़ें, तो उसको वृक्षों से का महत्व बताते हुए लोगों को बताया और धर्म से जोड़ करने के बाद में लोग उसकी सुरक्षा करने लगे। पूजा जिस चीज़ की पूजा करेंगे हम उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पीपल का वृक्ष आज हम पेशेंट को बोलते हैं इसकी छाल काट के ले आना, सिकाई करने के लिए कोई छूने को तैयार नहीं है। बोले हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि पीपल के वृक्ष और बरगद के वृक्ष को काटें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमको काटना नहीं है। जिस चीज़ को हम लगा रहे हैं उस चीज़ को काटना नहीं है।